बताऊंगा तुमको कि लक इम्पोर्टेंट है या फिर कर्म। तो एक साधु था जैसे तो आप मान सकते हो गौतम बुद्ध, ठीक है, और दो राजा थे। गौतम बुद्ध तो बीच जंगल में रहते थे, ठीक है, उसके इधर एक राजा था और उसके एक इधर राजा था। ये वाला जो राजा था राइट हैंड साइड वाला, ये कर्म पर विश्वास रखता था। किस पर रखता था? कर्म। और ये वाला जो राजा था, ये राजा विश्वास करता था भाग्य पर। तो ये दोनों इस गुरु के, ये जो गुरु है, इनके दोनों चेले हुआ करते थे। एक प्रकार से शिष्य मान लो कि उनको उन्होंने गुरु मान लिया, अगर लड़ाई करने जाएंगे तो उससे पहले पूछेंगे। तो वो जाते थे और उनसे डिस्कस करते थे कि आज का जो हमारे युद्ध में कौन जीत विजय होगी, ये मैं हारूंगा ये वो हारेगा। तो ये गया पहला वाला। तो इससे स्पष्ट रूप से गुरु जी ने बोल दिया कि तुम्हारा लक नहीं है, तुम ये युद्ध हार जाओ। क्या नहीं है? लक नहीं है, मतलब तुम्हारा भाग्य नहीं है कि तुम्हारा साथ देगा कि तुम जंग जीत जाओ। फिर ये वाला राजा जाता है और ये वाला राजा जाता है और फिर ये वापस गुरु जी से पूछता है। ये पूछता है, गुरु जी अब मुझे बताइए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, हम दोनों राजा के बीच में जंग है। तो गुरु जी इससे बोलते हैं, बेटा तू आग बंद करके विश्वास कर, तेरा लक तेरे साथ है, तेरा लक तेरे साथ है, तू जा। ये वाला राजा जाता है, उसको पता है कि यार मैं तो घमंड टाइम में आ गया, यार मैं तो जीत जाऊँ, मुझे गुरु जी ने बोल दिया मेरा लक मेरे साथ है। ये वाला राजा जब गया, ये सोच ही गया था हारना तो है पर भाजा किसने प्रजा से बोला, इस युद्ध में तुम जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत इस युद्ध के लिए करोगे उतना ही जीत तुम्हारे हाथ में रहेगी। ये जीत तुम सैनिकों पर निर्भर है, मुझ पर नहीं है। मेरा लक साथ नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तुम कर्म करते हो सकता है कि तुम्हारा सबका लक मुझे पॉजिटिव बना दे और मैं जीत जाऊँ। और ये आगे क्या बोलता है, खूब बढ़िया पार्टी करो, इंजॉय करो, क्यों कल का ही तो अपन जीतने वाला है। और जीतने वाला है तो इस जो राजा है उसकी प्रजा गर्रा गई, उन्होंने कहा नहीं यार, जब हमारे राजा खुद ही कह रहे हैं कि यार अपन जीतने वाले हैं और हम लोग को जो मेन गुरु जी है जो भविष्य देख सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग तो जीत तुम्हारे हाथ में, तुम लकी इंसान। तो ऐसे युद्ध हुआ। तो रीजन ये है कि इसका लक तो साथ था पर इसने कर्म करना छोड़ दिया, और इसका लक इसके साथ नहीं था पर इसने कर्म चालू कर दिया, मतलब इसने कर्म के थ्रू इसका लक चेंज कर दिया। जब ये दोनों युद्ध हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि कौन जीता, आप लोग समझ गए कौन जीता हो, बताओ। कर्म करने वाला। क्यों? क्योंकि उसका कर्म तो उसको पता है कि मैं कर्म तो करूंगा, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं। और एक चीज ये थी, वो खुद उसका लक साथ देने का कोई दिक्कत नहीं है, पर उसने क्या बोला कि अगर मेरी प्रजा का लक मेरे साथ होगा तो मैं जंग जीत जाऊंगा, तो उसके साथ वही होगा कि उसकी प्रजा ने उसको बहुत महत्व दिया तो वो जंग जीत गया। तो मेन चीज ये है कि दोनों चीजें पॉजिटिव है, लक भी जरूरी है कर्म भी जरूरी है, पर अगर लक पे हाथ बंद कर विश्वास कर रहे हो तो बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि एक मैं कहानी और सुनाता हूँ, पढ़े लिखे से रिलेटिव सुनाता हूँ थोड़ा सा। एक व्यक्ति था जो मतलब उसकी एज समझ लो 25 के आसपास, उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद लोगों को शौक रहता है ना IPS IAS अधिकारी बनने का, उसने कहा मैं भी कलेक्टर बनूंगा, ठीक है, हम इंजीनियरिंग कर ली घिसा दे बेटा थे, बस शौक क्या है कि नहीं मैं करूँगा तो क्या करूँगा, मतलब कलेक्टर बनूंगा। अब कलेक्टर बनना है लेकिन पढ़ाई में सारा जीरो, शुरू से घिसाते पिसाते मतलब पास होते हुआ आया है उसको, पर एक चॉइस थी बचपन से कि नहीं बनूंगा तो कलेक्टर, ठीक है। अब कलेक्टर बनना है और तो उसकी मम्मी पापा ने मना कर दिया कि बेटा तू कलेक्टर तैयारी मत करना, क्योंकि मैंने तेरी कुंडली दिखाई है, मैंने तेरी एक कुंडली दिखाई जो मेन पंडित है अपने एरिया का जाना माना, उसने अगर कुंडली देख के बोल दिया कि बेटा ये जो तुम्हारे हाथ में है मतलब हाथ में है, या फिर तुम ये काम नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, तो उस बंदे ने वही काम करा। उस बंदे ने क्या करा कि उसने बोला कि मेरा किस्मत मेरे साथ नहीं है पर मेरा कर्म मेरे हाथों में है, अभी तक मैं जैसा आया हूँ वही दिखे नहीं, बस उसको एक ही बात थी कि मुझे इस पंडित को गलत साबित करना है, इस पंडित को मुझे गलत साबित करना है, इसलिए ठान लिया। और उसके बाद उसने दिनों जान से मेहनत करी, मतलब समझ लो कि जैसे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, मैक्सिमम 18 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी उसने, 18 घंटे की पढ़ाई मात्र जो बचे कुछ टाइम में नींद वगैरह सब कम रहे बैठे थे, उसने ऐसा रेगुलर करा कंटिन्यूस करा। तो मानोगे नहीं, 6 महीने में UPSC का मेन क्लियर कर दिया, उसके बाद उसका इंटरव्यू कर दिया जो लिया, और उस पंडित के पास गया डायरेक्ट बोला कि कुंडली डबल से पढ़ना इसमें क्या गलती आ गई, कुंडली डबल से पढ़ना इसमें क्या गलती आ गई, तुमने तो बोला था कि मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में नहीं है छोटी से छोटी, पर मैं तो आज कलेक्टर, मैं तो आज कलेक्टर, उसको रोक दे और आने जाने का भी